हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आज का जो वीडियो है, ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हो। मैंने बहुत ढेर सारे वीडियोस में डिस्कस किया कि इस तरह से आप काम करोगे तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी और आप जॉब को पा जाओगे। उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलता है, सर स्टिल आई एम जॉबलेस। दोस्तों आपको पता है आप जॉबलेस क्यों हो, आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रही है, उसका मेन रीजन मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बताता हूं। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने वेबसाइट पे और अपने चैनल पे भी एक जॉब डाला था, दैट जॉब इज फॉर रैबिट आर्किटेक्चर, जो रैबिट में अच्छे हों, रैबिट सॉफ्टवेयर में जो अच्छे हों उनके लिए जो जॉब थी। मेरे पास लगभग 25 से 30 सीवी आई मेल में, और उसमें से मैं केवल और केवल एक सीवी को सिलेक्ट किया। आपको पता है उसका रीजन क्या है। एक्चुअली ओपनिंग 5 की थी, बट मैं केवल एक सीवी सेलेक्ट करके क्लाइंट को दे पाया। उसका मेन रीजन ये था, और किसी सीवी में ऐसे लगी नहीं रहा था कि ये बंदा रैबिट में एक्सपर्ट है। आपको पता है मैंने आपको नहीं देखा, सिर्फ आपकी सीवी को देखा है। तो अगर आप सीवी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे, ऐसा दिखा दे कि लगे कि आप उसी में एक्सपर्ट हो, तो डेफिनेटली मैं आपकी सीवी को सिलेक्ट करता ना। एटलीस्ट आप इंटरव्यू राउंड तक तो पहुंच जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप चीजों को सीख रहे हो, और सीख रहे हो तो उसको सही से प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। प्रेजेंट कैसे, प्रेजेंट इन द सेंस कि जैसे अगर मैं रैबिट की ही बात करूं, तो रैबिट सॉफ्टवेयर जो है, अगर इसकी फैमिली के रिक्वायरमेंट है तो आपको वहां पर दिखाना चाहिए ना कि आई नो इन रैबिट व्हाट पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक फैमिली। अच्छे से आपको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक आता है, अच्छे से आपको ग्रिड आता है, लेवल्स आता है, आपको अच्छे से मॉडलिंग करनी आती है। अगर इस तरीके से आप सीवी में प्रेजेंट कर पाओगे खुद को, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करता कि मैं इसको शॉर्टलिस्ट करूंगा बंदे को और इंटरव्यू राउंड के लिए भेजूंगा। तो दोस्तों अगर आप अपनी सीवी को अच्छे से बना लेंगे तो ये तो पक्का है कि आप इंटरव्यू राउंड में पहुंच जाएंगे। अब मैं बात करता हूं इंटरव्यू राउंड में पहुंचने के बाद जो आपका रिजेक्शन होता है, जो आप सेलेक्ट नहीं होते हो, उसका रीजन बताता हूं। उसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा रीजन सिर्फ एक है, पता है क्या वो रीजन? ये है कि जो स्किल्स आपके पास है, जो स्किल्स है ऑटोकैड या रैबिट या स्टैट प्रो या ईटैप्स या टेक्ला या कोई भी एक सॉफ्टवेयर का स्किल आपके पास है, वो स्किल्स आपके पास 10 out of 7 नहीं है, 10 out of 8 नहीं है। आप बोलोगे सर कैसी बात करते हो, अभी अभी हमने रैबिट का कोर्स किया और रैबिट का कोर्स करके अच्छे से सीख लिया, रैबिट को अच्छे से हमने सीखा। या आप बोलोगे सर मैंने ऑटोकैड को अभी अभी अच्छे से सीखा, और मैं आपसे अभी बोलूंगा कि ऑटोकैड कौन कौन से फॉर्मेट में फाइल को बनाता है, तो कई लोग बोलेंगे .dwg, उनको नहीं याद होगा कि ये .dxf में भी बनाता है। मैं पूछूंगा BOQ कैसे निकालते हो, आपको नहीं पता है कि डाटा एक्सेशन कमांड्स के यूज करके हम लोग BOQ को निकालते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि किसी एक रूम को हॉलो करना है तो उसको किस कमांड के थ्रू करेंगे, आपको नहीं पता है कि सेल कमांड से उसको हम लोग हॉलो करेंगे। आपसे मैं पूछूं कि अनवांटेड फाइल को रिमूव करना है तो कौन सी कमांड से करेंगे, आपको नहीं पता होगा कि पर्च कमांड से करेंगे। दैट मीन आपने ऑटोकैड या रैबिट या कोई अन्य सॉफ्टवेयर सीखा तो है, लेकिन जो लेवल चाहिए था वो लेवल को नहीं सीखा है। कई लोगों को मैंने देखा, वो बोलते हैं सर मैंने ऑटोकैड और स्टैट प्रो सीखा है और क्या सीख लेना चाहिए, तो मुझे हंसी आती है। आपको पता है उसका रीजन क्या है? स्टैट प्रो और ऑटोकैड को अगर अच्छे से सीखा है तो आपको जॉब पे लग जाना चाहिए। आप जॉब पे नहीं लग रहे हो, उसका मेन रीजन ये है कि आपने स्टैट प्रो अच्छे से सीखा नहीं है, आपने ऑटोकैड अच्छे से सीखा नहीं है। आप बोलोगे सर कैसी बात करते हो, स्टैट प्रो तो मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। तो फिर मैं जब उनसे पूछता हूँ OMRF का क्या होता है या SMRF क्या होता है, वो बोलते हैं सर ये थोड़ी था स्टैट प्रो में। भाई ये स्टैट प्रो में जब सेस्मिक एनालिसिस करते हो तो OMRF मींस ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, और SMRF मींस स्टैंडर्ड मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। और मैं पूछूंगा ये होता क्या है, तो आप ब्लैंक हो जाओगे। हो गए ना। इसी वजह से आपकी सीवी तो एक बार चलिए आपने बहुत अच्छी से अगर बना दिया, शॉर्टलिस्ट हो रहे हो, तो वहां से रिजेक्शन आ जा रहा है, हो रहा है ना। तो प्लीज आप अगर SMRF OMRF, चलिए मैं इसको बता भी देता हूँ। SMRF जो होता है वो अगर हमारा जो लाइक कंक्रीट ग्रेड है M25 या उससे अधिक का ग्रेड यूज कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर के लिए, दैट इज SMRF, जिसकी वैल्यू रखते हैं 5,
और अगर वो M20 है उसके नीचे का ग्रेड यूज करें तो दैट इज OMR, ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, जिसकी वैल्यू होती है 3। तो मैं आपको ये अभी तो बता सकता हूँ, बट एग्जैक्टली जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप इस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। तो ये आपका दूसरा सबसे बड़ा रिजेक्शन का कारण है। पहला क्या था, आपकी सीवी सही नहीं थी, और दूसरा क्या है कि जो आपने स्किल लिखा है, प्लीज 10 स्किल मत दिखाइए किसी को, 10 स्किल मत दिखाइए किसी को। मैं आपको एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा। मैं अभी एक इंटरव्यू ले रहा था हाल ही में, तो मैंने देखा कि उस बंदे ने अपने सीवी में कई ढेर सारे सॉफ्टवेयर लिख रखे थे, उतने सॉफ्टवेयर मुझे भी नहीं आते थे, एग्जैक्टली बता रहा हूँ आपको। तो मैंने उससे पूछा कि हाउ मेनी सॉफ्टवेयर्स यू नो, ही सेड सर आई नो 14 प्लस सॉफ्टवेयर्स, एंड आई सेड जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ 14 सॉफ्टवेयर्स। मैंने बोला सॉफ्टवेयर का नाम लिख दो, 14 सॉफ्टवेयर का नाम लिख दो। उसने मुश्किल से 3 या 4 सॉफ्टवेयर लिखा, और फिर सोचने लगा, फिर कैसे वैसे करके 8 सॉफ्टवेयर तक गया, फिर बोलता है सर अब याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा भाई तूने 14 प्लस बोला था, इतना फेंकने की जरूरत क्या थी? अगर आप सही से 2 सॉफ्टवेयर लिखे होते मैं सेलेक्ट कर लेता उस बंदे को, नहीं किया मैंने। क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, पहली चीज तुम झूठ बोल रहे हो। सो प्लीज अगर जो स्किल्स है आपके पास उस स्किल्स को 100% करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे चेक करवाना है कि मेरी स्किल्स कैसी है, तो बताइएगा, मैं आपके लिए एक टेस्ट पेपर जैसा कुछ करूंगा, मैं आपको एक टेस्ट पेपर दूंगा, उसको मैं सॉल्व करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। हाँ मैं रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा, आपको पेपर दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कितना आता है, आपको कितना आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। और जो भी कमेंट कर रहे हैं मैं सबको रिप्लाई करूंगा, एक एक करके रिप्लाई करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली करूंगा। तो दोस्तों पहला रीजन था कि आपका रिज्यूम अच्छा नहीं था, और दूसरा रीजन ये है कि रिज्यूम में जो लिखा है वो आपका सच नहीं है। मींस आपने ऑटोकैड लिखा है, स्टैट प्रो लिखा है, ईटैब लिखा है, बट आपको ईटैब में मास सोर्स का मतलब ही नहीं पता है। ईटैब में आपको मास सोर्स का मतलब नहीं पता होगा, नहीं पता है ना? और आप बोलते हैं मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर बनूंगा। मेरे भाई जब सिस्मिक एनालिसिस में आप स्केल फैक्टर ही नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, स्केल फैक्टर मैं बता दूं आपको मास सोर्स से प्रोवाइड करते हैं, तो आप डिजाइन क्या करोगे? आपको कोई हायर कर लेगा तो किस काम के लिए हायर करेगा? यही रीजन है। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी लगती है कि यार ये आता कुछ नहीं है लेकिन कहते हैं कि हमको जॉब नहीं लग रही है। जॉब न लगने का रीजन आप हो। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं जॉब न लगने का। चलो एक तो रीजन ये हो गया कि आप ये, दूसरा रीजन ये होता है जब आप कंपनी में जाते हो तो आप अपने आप को इंजीनियर समझने लगते हो। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं भी अपने आप को इंजीनियर नहीं समझता हूं। रीजन बताओ, आप इंजीनियर समझते हो तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसका एक आंसर होता है कि हमारे अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड ज्यादा आ जाता है, आ जाता है ना, आ जाता है। सबने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप जहां जहां होता है इंजीनियर वगैरह वगैरह लिख के रख दिया है, बट वो इंजीनियर वाली स्किल्स है क्या आपके अंदर, वो नहीं आपको पता है। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप चेक करते हो, जैसे वो उनसे वो क्वेश्चन बोलेंगे आपसे, एक दो क्वेश्चन बताने के बाद आप ब्लैंक हो जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो ना, आप उसके आगे के क्वेश्चन नहीं बता पाते हो, नहीं बता पाते हो ना। तो इसका मेन रीजन ये है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। तो दोस्तों आपको दो रीजन तो क्लियर हो गया, पहला रीजन क्या था, रिज्यूम, और दूसरा रीजन ये था कि रिज्यूम में जो लिखा है, जो स्किल्स लिखा है, वो स्किल्स आपके अच्छे से नहीं क्लियर है। प्लीज उसको अच्छे से क्लियर करिए और रिज्यूम को अच्छे से क्लियर करिए। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो वो एक इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। आपको क्या लगता है कि आप एक इंजीनियर हो, क्या हो, इंजीनियर हो, तो आपको तो 30 से 35 और 25 से 30 तो मिलना ही चाहिए। मेरे भाई किस चीज का देगा तुमको 25 से 30? ईटैब पे काम करना चाहते हो, मास सोर्स का मतलब नहीं पता है, स्टैट प्रो पे काम करना चाहते हो, स्टैट प्रो का फाइल फॉर्मेट नहीं पता है, स्टैट प्रो को का एडिटर कैसे यूज करते हैं नहीं पता है, स्टैट प्रो में जॉब एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन क्या होता है नहीं पता है, नहीं पता है। तो जब आप स्टैट प्रो पे काम नहीं करने वाले हो, आप उसके किसी काम में नहीं आने वाले हो कंपनी के, तो कंपनी आपको इतना अमाउंट क्यों पे करेगी? आप इस चीज को ध्यान रखो कि अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको बोलना पड़ेगा एज अ फ्रेशर कि एज पर योर कंपनी नॉर्म्स, आपके कंपनी के अकॉर्डिंग आप हमें पे करिए। हम ये नहीं बता सकते क्यों, रीजन उसका बताइए, बिकॉज आई एम अ फ्रेशर सो आई थिंक एज पर योर कंपनी नॉर्म्स, आपके कंपनी के हिसाब से। ये 3 रीजन अगर आप फॉलो कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी। पहला रीजन मैंने आपको बताया रिज्यूम, दूसरा रीजन स्किल्स, तीसरा रीजन सैलरी एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए। इसमें जॉब की बहुत क्राइसिस है सिविल इंजीनियरिंग में,
और अगर आप इन तीनों रीजन पे एग्री हो और फिर भी आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो मैं आपको एक चांस देता हूं। चांस ये है कि मैं संडे को लाइव आऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना टाइम बताइए कि आप किस टाइम पे कन्वीनियंट हो, तो एक एवरेज टाइम मैं निकाल के मैं आपको कम्युनिटी पे ग्रुप पे डाल दूंगा कि कितने बजे मैं लाइव आऊंगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनके आंसर देना, आप उनके आंसर देना, और आंसर देके मुझे बोलना कि मैं आपसे चेक कर लूंगा कि आपका स्किल कितना अच्छा है, आप कितना आंसर कर पाते हो। अगर आप अच्छे से जो भी स्किल आप बोलोगे कि सर मेरे पास ये स्किल है, मैं उस स्किल से क्वेश्चन पूछूंगा, और उस स्किल का अगर आप क्वेश्चन सही सही 5 से 6 क्वेश्चन देते हो 10 out of 10, डेफिनेटली मैं आपकी सीवी को मंगाऊंगा और मैं आपकी सीवी को उस कंपनी में भेजूंगा और शॉर्टलिस्ट करवा के आपको जॉब दिलवाने की कोशिश करूंगा। वहां पे जाके क्रैक ऑलरेडी आपको करना है, बट सीवी को शॉर्टलिस्ट में करवा दूंगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा वहां पे, अपर फॉर्म आपके हाथ में। लेकिन उससे पहले आप मुझे दिखाइए कि आपकी स्किल्स अच्छी है, आप अच्छे से आंसर करना जानते हो, आपको डीप नॉलेज है अपने सॉफ्टवेयर की, तो आपके पास टाइम है। संडे को आप मुझे बताइए कि कौन से टाइम पे आप आना चाहते हैं, उस टाइम पे मैं आपको कम्युनिटी बता दूंगा, एवरेज टाइम जो भी रहेगा मैं आऊंगा और आप मुझे आंसर करिएगा। अगर आपके आंसर अच्छे रहे तो डेफिनेटली हम आपको प्रीफरेंस देंगे और आपकी जॉब कहीं ना कहीं लगवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? कई लोगों ने मुझे बोला था सर स्टिल आई एम नॉट गेटिंग जॉब, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आप तक पहुंचने की कोशिश की है। मुझे बताइएगा मेरा ये प्रयास कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो इसे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग संडे को लाइव आ सके और हम ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेक्ट कर सके। जितने लोग इंटरेक्ट करेंगे उतने ज्यादा टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता मैं सर से पूछूं क्या, डेफिनेटली उस दिन आप आके मेरे से क्वेश्चन लाइव क्वेश्चन पूछोगे, मैं लाइव आंसर दूंगा और साथ ही साथ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर बताइएगा। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हूँ और ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको दे सकूँ। तो और इसी के साथ अपने इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।